हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। श्री केदारनाथ धाम जी के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा गुप्तकाशी सिरसी फाटा से की जा सकती है। सो हम तैयार हैं हमारी इस हेलीकॉप्टर राइड के लिए। फाटा श्री केदारनाथ धाम जी की यात्रा के लिए 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सबसे नजदीकी हेलीपैड है। गड़गड़ाहट करता हेलीकॉप्टर जैसे ही हेलीपैड पे आता है, ऐसा लगता है सब कुछ उड़ जाएगा। बहुत तेज हवाएं चलती हैं, अपने आप को बहुत बांध के रखना पड़ता है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूकाडा द्वारा DGCA की अनुमति से पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को श्री केदारनाथ धाम जी की हेलीकॉप्टर यात्रा की अनुमति दी जाती है। फाटा से केदारनाथ जी और केदारनाथ जी से फाटा राउंड ट्रिप का चार्जेस लगभग 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में पड़ता है। गड़गड़ाहट करते हेलीकॉप्टरों का हेलीपैड पर आना जाना लगा रहता है। हेलीकॉप्टर सेवाएं सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं। सामान्यतः यह मौसम पर निर्भर करता है। फाटा से श्री केदारनाथ जी की हेलीकॉप्टर यात्रा में समय 5 से 6 मिनट का, तो वहीं गुप्तकाशी से यह समय 15 से 16 मिनट का होता है। हमारे लिए हेलीकॉप्टर आ चुका था, तो हम पहुंच गए हेलीपैड पर, उड़ने लगे आसमान में। यह है हेलीकॉप्टर से बाहर का नज़ारा, श्री केदारनाथ धाम जी का नज़ारा। एक बार श्री केदारनाथ जी का जयकारा, श्री केदारनाथ धाम की जय। बर्फ की चादर ओढ़े सफ़ेद पर्वत, नीला आसमान और हरे भरे पहाड़, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। ये नज़ारा था 3,500 फीट की ऊंचाई से। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद आप उसी दिन या अगले दिन वापसी कर सकते हैं फाटा के लिए। हमने रात केदारनाथ धाम में ही बिताई और अगले दिन वापसी की फाटा के लिए। वापसी के लिए हेलीकॉप्टर आ चुका है। केदारनाथ यात्रा का पूरा वीडियो आई बटन पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। श्री केदारनाथ धाम की जय। चार धाम की जय।